बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी वे टू स्टिच। आज मैं आपको शर्ट की स्टिचिंग दिखाऊंगी। इस शर्ट की कटिंग मैंने आपको पहले वीडियो में दी हुई है, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। देखें कि हम इसकी पट्टी लगाएंगे जो कि हमने एक इंच से थोड़ी कम पर, देखें हमने ये रखी है और हमारी ये पट्टी है 7 इंच की हमारी ये तैयार पट्टी होगी। हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है नीचे से फोल्डिंग के लिए। और ये देखिए, ये हम अब इसका निशान लगाएंगे, हम इस पर निशान लगाएंगे। इतनी हमने पट्टी रखी है उससे हाफ पर हम इसके निशान लगाएंगे। इस तरह से, और फिर ये हम इसको ऐसे फोल्ड करके हम ये प्रेस से अच्छी तरह से लगा लिया। देखिए ये हमारा सेंटर का निशान हो गया है। ये देखिए, ये हमारे 3 निशान हो गए हैं। ये सेंटर वाले निशान से हम कटिंग करेंगे। से हमें बहुत इजी तरीके से हम ये पट्टी लगा सकते हैं। ये जो हमारे पास छोटी पट्टी है, ये हमने इसे जो हमारी बड़ी पट्टी है उससे 2-3 सुतर देखें छोटी रखी है, पतली रखी है। देखिए ये हम लगाएंगे, जो हमारा निशान है उसे थोड़ा सा हटके हम देखें, इतना सा निशान छोड़ के हम ये पट्टी लगाएंगे। देखिए आपको हम पट्टी लगाना दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाली पट्टी लगा ली है। अभी हम बड़ी पट्टी लगाएंगे, पहले छोटी पट्टी लगाई थी। ये देखिए, ये हमारे जो निशान नजर आ रहे हैं बिल्कुल हमने ये अपनी पट्टी के मुताबिक लगाए हैं। जितनी हमारी पट्टी है उतने ही चौड़े निशान है। इसकी मदद से हम अपनी पट्टी बिल्कुल सेंटर में लगा सकते हैं। ये देखिए, जो जो हमारे ये प्रेसिंग के निशान हैं हम उस पर इधर से सिलाई लगाकर अपनी पट्टी लगा लेंगे। देखिए आपको हम पट्टी लगाकर दिखाते हैं अभी। ये देखें ये फ्रेंड्स, हमने ये अपनी पट्टी लगा ली है। अब आपको हम शोल्डर जोड़कर और तीरा जोड़कर और बाजू जोड़कर हम दिखाएंगे। फिर आपको हम इसकी पॉकेट लगाना भी बताएंगे किस तरह से हमने पॉकेट लगानी है। ये देखिए आपको अब हम शोल्डर लगाकर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमने ये साइड की सिलाई लगा ली है, फिर चाप और दामन कर लिए मर्दानी शर्ट के, बच्चे की शर्ट है। अब इसकी हम सबसे पहले बैंड लगाएंगे। बैंड के लिए हमें तकरीबन हमें चाहिए 11 इंच की बैंड। ये छोटे बच्चे की शर्ट है तो हमने इसको 11 इंच की बैंड लगानी है। ये देखें, इसको हम इक्वल करेंगे और इधर से हम इसकी पैमाइश करेंगे डबल करके। ये देखें, इस 5.5 इंच पर, यहाँ पर हम इसका देखिए इधर तक 5.5, क्योंकि हमने कट वाली बैंड बनानी है। तो हमारी 11 इंच की बैंड की नेक जो है हमारी बिल्कुल सही कटिंग हुई हुई है। अब इस पर हम पहले कट बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पट्टी से पहले भी बना सकते हैं, मैं मगर बाद में बनाती हूँ। देखें इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। करके इसको बिल्कुल जहां तक हमने ये बड़ी पट्टी का कट लगाया वहीं तक हम छोटी का भी हम इसी तरह से ही कट लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस शर्ट की कटिंग आपको हमने दिखाई है कि हमने किस तरह से कटिंग की है। ये देखें, ये हमने पट्टी के ऊपर पट्टी रख दी
और उसके बाद देखें यहाँ कोई झोल नहीं है, बिल्कुल सही शर्ट हमारी बनी है। अब इसी पैमाई से हम बैन बनाएंगे। बैन के लिए हमारे पास ये हार्ट बुकरम है, ये हमारे पास बड़ी बैन की कटिंग की हुई है, ये हमारी शेप बनी हुई है। इसको हम खुद से अब आपको निशान लगा कर दिखाते हैं। हमने इसमें से 11 इंच की बैन निकालनी है। तो हमने ये 1/4 इंच की बैन रखनी है, तो हम इसको ऐसे करके इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान हमारे बिल्कुल इक्वल लगेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इधर से। वहाँ देखो कपड़ों में नीचे भी बस।